आज माननीय आमदार नरेंद्र मित्ता जी ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शहर के पानी पुरोठा उमरा हॉस्पिटल पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल बस डिपो अदानी इलेक्ट्रिसिटी बायोडिग्रेडेबल पार्क और अग्री स्मार्ट के संदर्भ में जो उन्होंने बातें रखी उस पर मैं कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। मीरा भयंदर को 75 ml पानी ये कांग्रेस एनसीपी की सरकार जब थी राज्य में और मीरा भयंदर महापालिका उस वक्त इसकी मंजूरी दी गई और उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, मुख्यमंत्री साहब इस शहर में आए, होर्डिंग्स लगी कि 24 घंटा पानी इस शहर को मिलेगा, मगर आज तक के इस शहर को 2 घंटे भी पानी सही तरकीब से मुहैया नहीं कराया। महापालिका में जब हमारा प्रशासन था कांग्रेस एनसीपी का, पानी की किल्लत के चलते हुए, कमी के चलते हुए पानी के कनेक्शन बंद किए गए। इन्होंने 75 ml की भूमिका लेने के साथ में ही वहां पे हजारों कनेक्शंस इन्होंने देना शुरू कर दिया। बाद में ये पता चला कि उस 75 ml पानी में से सिर्फ 40 ml पानी इस शहर को मिल रहा है, जिसमें हर साल मार्च अप्रैल के महीने में 20-25% कटौती जो पूरे महाराष्ट्र में होती है, बॉम्बे में होती है, वो की जाती है। हाल ही में आपके मीडिया के माध्यम से थाने महानगर पालिका के अंदर जनरल बॉडी मीटिंग में चर्चा के दौरान ये वहाँ पर ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड चर्चा की गई और बताया गया कि आमदार नरेंद्र मेहता ने मीरा भयंदर का जो पानी 40-45 ml जा रहा है उसमें से हीरा नंदानी गार्डन्स को पानी देने का पत्र उस तरह का दिया है। मीडिया की न्यूज आने के बाद बावजूद आमदार मेहता साहब ने इस पर कोई खुलासा आज तक नहीं किया और लोगों के दिशा भूल करने के लिए, ध्यान बदलने के लिए अधिवेशन चलते अधिवेशन में मंत्री के पास एक बैठक ले करके ये बताया कि 35 ml एडिशनल वाटर MIDC के माध्यम से बहुत अच्छी बात है, अगर शहर के लोगों को पानी मिलता है 10 जुलाई तक और 24 घंटा अगर पानी मिलता है तो इससे खुशी की बात और कोई हो नहीं सकती, और अगर ये नहीं होता है तो 10 दिन बीतने के लिए कोई लंबा समय नहीं है, 10 दिन के अंदर ये पता लग जाएगा, 10 जुलाई के बाद में तुरंत पता लग जाएगा कि ये आश्वासन कितना सच्चा था और कितना झूठा था। पूरे महाराष्ट्र दुष्काल की परिस्थिति है, पूरे महाराष्ट्र में नगर परिषद, महानगर पालिका, नगर पालिका सभी जगह पानी की कटौती है, पानी बरसात 1 महीना लेट हो चुकी है, काश्तकार किसान पानी के लिए परेशान है, शहर में पीने के पानी की कटौती चल रही है। ऐसे परिस्थिति में मंत्री महोदय ने अगर यह आश्वासन लिखित स्वरूप से दिया है कि हम 10 जुलाई से 35 ml पानी, चाहे बरसात हो या ना हो, चाहे डैम में पानी हो या ना हो, मगर मीरा भयंदर को हम ये 35 ml पानी देंगे, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ, इस पर टीका करने वाली कोई बात नहीं, मगर पानी आने के बाद हम इसका यकीनन और खुले दिल से जो है मुख्यमंत्री साहब का जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हम स्वागत करेंगे, और अगर नहीं आया तो ये फिर से वही वायदा हो जाएगा, जुमला हो जाएगा शहर में, जिस तरह से होल्डिंग सोशल मीडिया में चलेगी, होर्डिंग्स लगेगी, ये भी उसी प्रकार का एक चुनावी स्टंट कहा जाएगा। दूसरा मुद्दा जो उन्होंने उठाया है वो उमरा हॉस्पिटल के संदर्भ में है, जिसका मैं भी एक ट्रस्टी हूँ, हमने आपको एक प्रेस नोट दिया है। दुख इस बात का होता है कि जिस आमदार को शहर का और राज्य का कायदा बनाने के मंदिर में प्रतिनिधित्व करने भेजा जाता है उसे कायदे का ज्ञान नहीं, उसे हाईकोर्ट की स्कीम्स के नॉलेज नहीं, उसको बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 सेक्शन 41A के बारे में मालूम नहीं। मैं ये आपके माध्यम से उनसे कहना चाहूँगा कि मेहरबानी करके थोड़ा सा कायदे का अध्ययन करें और जो सरकार को, राज्य सरकार को जो आपने दिशा भूल करी है वो दिशा भूल ना करें,
उमराव हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड साइंस ट्रस्ट अपनी जवाबदारी बखूदी कायदे के हिसाब से हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, चैरिटी कमिश्नर ने जो नियम फ्रेम किए हैं उसके तहत लोगों की सेवा और सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, जिसका ऑडिट रिपोर्ट चैरिटी कमिश्नर रेगुलर इंटरवल्स पे इंस्पेक्शन करते हैं और अपना काम पूरा करते हैं। इसके बावजूद हाईकोर्ट ने जो गवर्निंग अथॉरिटी फिक्स की है, हाईकोर्ट ने, मैंने आपको जो प्रेस नोट दिया है उसमें उसका डिटेल, उस गवर्निंग अथॉरिटी को अगर राज्य सरकार को बदलना है, क्योंकि हाईकोर्ट के ऑर्डर्स को आपको बदलना है, तो उसके लिए सरकार को बिल लाना पड़ेगा, ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा, बिल टेबल करना पड़ेगा। सरकार अपनी मर्जी से गवर्निंग अथॉरिटी चेंज नहीं कर सकती। हमको शासन ने उमराव इंस्टीट्यूट को कोई भी ऑफिशियल लेटर इस तरह का नहीं दिया है। चाहे कोई भी इंस्पेक्शन के लिए आए, उमराव इंस्टीट्यूट इंस्पेक्शन के लिए 24 घंटा हमेशा के लिए तैयार है, क्योंकि जहां चोरी नहीं वहां किसी की डर नहीं। हाँ, डर उसको लगता है जिसने अपने अस्पताल की बिना परमिशन अस्पताल चलाया हो, जिसने बगैर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट कई सालों तक के अस्पताल के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी की हो जिसके लिए उसके पास परमिशन नहीं हो, जिसने म्यूनसिपैलिटी को मैटरनिटी होम बना करके हैंड ओवर करना चाहिए था वो नहीं किया हो, और जब शहर में उसके प्रति आंदोलन होते हैं तो उसे हैंड ओवर करना पड़ता है, और जब प्रशासन उस मैटरनिटी होम को एक्यूप करने के लिए जब प्रस्ताव लाती है तो बीजेपी सत्ता में जो बैठी है, आमदार जो सत्ता में है, वो अपने मेजोरिटी के बेसिस पे उस प्रस्ताव को खारिज करते हैं, ये कहते हुए कि इस शहर में मैटरनिटी की जरूरत नहीं है। इस शहर के अंदर ओपीडी अगर किसी ने शुरू करवाई थी तो मैं जब डिप्टी मेयर था उस वक्त ओपीडी चालू की गई थी, आज तक के उतने ही नंबर ऑफ ओपीडी सेंटर्स चल रहे हैं। 2004 से लेके आज तक के कोई नए ओपीडी सेंटर चालू इस शहर में नहीं हुए। मैं जब आमदार था तब हमने इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बनाया, हम जब आमदार थे हमने वहाँ पे डायलिसिस मशीन लगाई, हमने वहाँ ओपीडी सेंटर्स चालू किए, वहाँ पे नर्सिंग मैटरनिटी सेक्शन स्टार्ट किया गया जिसके माध्यम से आज हजारों लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो रही है। पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल, यह हमारे लोगों के कार्यकाल में तेम्बा हॉस्पिटल के नाम पे शुरू किया गया। मिलन मात्रे साहब की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही कि जिला परिषद से उसे महानगर पालिका को हस्तांतरण किया गया, करोड़ों रुपये महानगर पालिका ने खर्च किए। हम जब सत्ता से भाग हुए उसके बाद इन्होंने तुरंत वहाँ पे इक्विपमेंट्स लाए गए, इक्विपमेंट्स खरीदे गए, 35 करोड़ रुपये के इक्विपमेंट्स खरीदे गए जिसका इंस्टॉलेशन पूरा नहीं हुआ। आज उन इक्विपमेंट्स का वारंटी पीरियड खत्म हो चुकी है, सीएमसी खत्म हो चुकी है, आईसीयू स्टार्ट नहीं हुआ, ऑपरेशन थिएटर स्टार्ट नहीं हुआ, डायलिसिस सेंटर स्टार्ट नहीं हुआ, एमरजेंसी वार्ड स्टार्ट नहीं हुआ। हुआ तो क्या हुआ, सिर्फ 2-3 बार उद्घाटन हुए, नाम बदला गया, नामकरण किया गया, और जब जब चुनाव आए, चाहे फिर विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, इसी तरह से जिस तरह से परसों फिर से एक बैठक की गई और वहां पर ये बताया गया कि पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल ये सरकार को हैंड ओवर किया जाए। आपकी मालूमात के लिए बताना चाहता हूँ कि शासन ने महापालिका को एक गाइडलाइन दिया है कि ये सारी चीज उसमें मुकम्मल कीजिए, ये पूरा कीजिए, तब हम इसका टेक ओवर करेंगे। मगर आज तक के 5-7 साल से ये महापालिका में सत्ता में है, इनको किसी ने रोका नहीं है कि उस कंप्लायंस को पूरा करे। पिछले महीने वहां से पेशेंट्स को, डिलीवरी वाली महिलाओं को अस्पताल से उठा करके बाहर कर दिया गया। आप में से ही कोई पत्रकार भाइयों ने वहां पर जाकर के उसके ऑब्जेक्शन लिया, पान पट्टे को फोन किया गया, डीएमसी को फोन किया गया, कमिश्नर को फोन किया गया और उन प्रेग्नेंट महिलाओं को फिर से हॉस्पिटल में रखा गया। ये तो महापालिका का कारभार है। कलेक्टर की इंक्वायरी लगी है, किसी महिला ने, कोई गायकवाड़ महिला ने कंप्लेन करी कि वहां पे इस तरह की प्रॉब्लम्स ट्रीटमेंट का हो रहा है। जो प्रशासन आपका है, जो जिम्मेदारी आपकी है, जो महापालिका की जिम्मेदारी है, उसे तो आप पूरा नहीं कर रहे हो। खुद के 7-11 हॉस्पिटल में जो चीज आपने म्यूनसिपैलिटी को हैंड ओवर करनी चाहिए थी वो तो इतने साल आपने नहीं किया,
और जब अभी कायदे के दबाव के अंदर आपको देना पड़ा तो आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो और आप वहाँ पे मैटरनिटी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है इस तरह का आप सभागृह में चर्चा करके उस प्रस्ताव को कैंसिल करते हैं। मीरा रोड के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के अंदर हर साल तकरीबन 2000 से ज्यादा महिलाओं की डिलीवरी नर्सिंग मैटरनिटी का काम होता है। ये अस्पताल किसने बनाया था? ये हमने बनाया था, मुजफ्फर हुसैन ने बनाया। तब तो आपको ये पता भी नहीं था कि अस्पताल होता क्या है, नर्सिंग होम होता क्या है, मैटरनिटी होती क्या है। तो कोई भी इल्ज़ाम लगाने से पहले उसकी तय तक जाना ज़रूरी है और खुद के गिरेबान में नज़र डालना ज़रूरी है। चोर की दाढ़ी में तिनका, आपकी दाढ़ी में तिनका है। हमने तो, हमारी पार्टी ने तो सिर्फ अभी अनाउंस कर दिया कि मुजफ्फर हुसैन चुनाव लड़ेंगे तो पैर के नीचे की ज़मीन निकल गई। और इस तरह के आप आरोप बिन बुढ़ा के कर रहे हो। जिस दिन शासन हमारे को लिख करके भेजेगा कि ये आपकी गवर्निंग अथॉरिटी है, हम जरूर शासन को पूछेंगे। अगर वो इन अकॉर्डेंस टू हाई कोर्ट डायरेक्शंस है, इन अकॉर्डेंस टू चैरिटी कमिश्नर डायरेक्शन है, तो हमको तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। आप किसी भी टाइम आइए, देखिए, चैरिटी कमिश्नर तो आते ही हैं, देखते ही हैं। चैरिटी कमिश्नर को रिकॉर्ड सबमिट होता है, महानगर पालिका को हर महीने रिकॉर्ड सबमिट होता है, तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने आमदार साहब ने एसटी बस के बारे में कहा, एसटी डिपो के बारे में, वो आरक्षण भी हम लोगों ने डीपी प्लान में करवाया एसटी बस डिपो का। आज कितने साल हो गए बीजेपी सत्ता में, आज कितने साल है आमदार सत्ता में, क्यों इतने साल के बाद इनको जागरूकता आई एकदम से कि बस डिपो की पार्किंग की जगह चाहिए। JNNURM के अंतर्गत जब बसेस हमने लाई उसका उद्घाटन आपने किया, मुख्यमंत्री साहब ने किया, वो बसेस सड़ गई। पिछले हफ्ते आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से सभी न्यूज़पेपर में न्यूज थी कि मीरा भयंदर में कितनी BMC की MBBMC की बसेस चल रही है, नाम मात्र बसेस चल रही है, बसेस नहीं, बसेस सड़ गई, चोरी हो गई, उसको खड़ा करने के लिए जगह नहीं थी आपके पास, कहाँ बसेस खड़ी है ये पता नहीं है आपको। लेकिन जैसे ही मीडिया में रिपोर्ट आई कि MBBMC का ट्रांसपोर्ट का हाल बुरा है, मीरा भयंदर शहर के लोग जो है वो त्रस्त है, तो आपने फिर से एक स्टंटबाजी की कि सेक्रेटरी के पास गए, मंत्री के पास जाना चाहिए था, सेक्रेटरी के पास गए और ये कहा जगह हमको दे दो। वहां भी सेक्रेटरी साहब ने ये कहा कि ओपन CRZ है, ओपन पार्किंग के लिए दे सकते हैं, कोई लेखी निर्देश नहीं दिया है। हम उसका स्वागत करते कि आपने लेट आए, देर आए, दुरुस्त आए, आपने कम से कम बस डिपो का 5 साल के बाद सोचा, जब तक कि बस सारी चोरी हो गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। आपको JNNURM के तहत आपको कॉन्ट्रैक्ट देना था, JNNURM के तहत आपको कॉन्ट्रैक्ट देना था, 5 साल से बहुमत आपका है, मगर आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वो बसेस क्यों सड़ गई? वो बसेस इस शहर में क्यों नहीं चल रही है? कौन है इसके पीछे? ये जनता को पता लगना चाहिए कि कौन है इसके पीछे जिन्होंने इन बसेस को सड़ा दिया और ये बसेस की सुविधाएं जनता तक उपलब्ध नहीं कराई। आज भयंदर में प्रॉब्लम है क्या? भयंदर में प्रॉब्लम सालों साल से है, आज आपको नजर आया, लेकिन क्योंकि मीडिया में जैसे ही न्यूज आई तो आपने ये स्टंटबाजी, सोशल मीडिया, मीडिया का दुरुपयोग करने का प्रयास आपने किया है। हम स्वागत करते हैं कि अगर सरकार ने वो जगह बस डिपो के लिए खड़ी करने के लिए दे दी तो बहुत अच्छी बात है। मैं कहूँगा सत्ताधारी से कि जैसे 10 जुलाई को आप डैम में पानी नहीं और पानी देने वाले हो, उसी तरह से ये शहर में 10 जुलाई तक जितनी JNNURM की बसेस आई थी उसको आप कार्यरत कराइए। इस शहर में MBBMC की बसेस पूरी ताकत से, कितनी बसेस हैं? 80 बसेस कोई शहर में दौड़ती हुई नजर आनी चाहिए, वो क्यों नहीं आ रही है? तो 10 जुलाई तक अगर आप पानी ला सकते हैं, पानी तो आसमान से भगवान खुदा की मर्जी से गिरेगा, मगर बस तो आपकी मर्जी से चल सकती है, तो उसे शहर में चलाइए तो लोगों को कम से कम वो सुविधा प्राप्त होगी। अडानी इलेक्ट्रिसिटी के खंभे के ऊपर वो हमको दीजिए, अच्छी बात है, ले लीजिए, म्यूनसिपालिटी 1.5 करोड़ रुपया भर रही है आपको, वो भी 5 साल के बाद समझ में आया कि 1.5 करोड़ रुपया इलेक्ट्रिसिटी का बिल म्यूनसिपालिटी भर रही है, मगर इस शहर में होर्डिंग किसकी है? होर्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट किसके हैं? जरा उनके भी तो नाम पब्लिश किया जाए कि होर्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट किसके हैं और कितने साल से ये कॉन्ट्रैक्ट को विदाउट एनी टेंडरिंग वापस चलाया जा रहा है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगेंगे इसकी टेंडरिंग कौन लेगा?
ये इसके पीछे का छुपा हुआ एजेंडा है, वो एजेंडे की भी तो जरा मालूमात मिलनी चाहिए। और अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम होगा तो क्या ये अडानी को लिखेंगे कि ये अभी एक म्यूनसिपैलिटी भर रही है तो जो शहर में आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल डबल कर दिया है जनता के ऊपर अडानी ने रिलायंस से लेने के साथ में, उसको आप कम कीजिए। कांग्रेस ने आंदोलन किया था मगर बीजेपी ने एक शब्द इसके बारे में कहा नहीं, एक अल्फाज बीजेपी ने कहा नहीं कि अडानी ने इलेक्ट्रिसिटी कम करना चाहिए। कौन है अडानी मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ये देश में दो ही इंडस्ट्रियल हाउसेस को सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, दो ही इंडस्ट्रियल हाउसेस को, चाहे वो रिलायंस हो या अडानी हो। अभी कल भी एक्सटेंसिव जो ब्रिज बनने जा रहा है बॉम्बे में, वो भी किसको दिया गया, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर आज उसकी न्यूज छपी है, जो बैंकरप्ट हो गई कंपनी रिलायंस अनिल अंबानी की, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। वही रिलायंस एनर्जी ने अडानी को दिया और अडानी ने इलेक्ट्रिसिटी की कीमत दुगनी कर दी। क्यों चुप है आमदार साहब, क्यों सभागृह में मुद्दे नहीं उठाए गए, क्यों इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जाके अपील नहीं दायर की गई, क्यों जनता की आवाज नहीं उठाई गई? तो ये दिशा भूल करने का काम है। आमदार साहब जो कुछ भी करते हैं उनके पीछे उनका एक छुपा हुआ एजेंडा होता है और जो कमर्शियल होता है, जो लोगों को बाद में पता लग ही जाता है। बायोडिग्रेडेबल पार्क करना है, बहुत अच्छी बात है, कीजिए, मगर जो सूखा कचरा और गीला कचरा उठाने की आपकी जो प्रक्रिया है आज शहर में कहां पहुंची है, हरित लवादा ने आपके ऊपर क्या कंडीशंस डाली है, क्या आपने उसको पूरा किया है, क्या आपका डंपिंग ग्राउंड पे 10 लाख मेट्रिक टन कचरा जो उत्तन में पड़ा है, जो उत्तन के रहवासियों उससे जूझ रहे हैं, उसके ऊपर कोई उपाय योजना आपने करी? नहीं करी। मगर बायोडिग्रेडेबल पार्क का एक वापस पब्लिसिटी स्टंट करने का और लोगों की दिशा भूल करने का काम कर। अब आइए अग्रि समाज के भवन के बारे में हम स्वागत करते हैं। मैंने परसों भी मुझे पत्रकारों ने फोन किया, मैंने कहा बिल्कुल होना चाहिए। मीरा भयंदर एक मुंबई का एक्सटेंडेड सब है, ये एक मिनी हिंदुस्तान है और यहाँ पर हर प्रकार का, हर जाति का, समाज का, धर्म का, भाषा का व्यक्ति इस शहर में रहता है। जैसे सिडको ने प्लानिंग करी और हर समाज के लिए भवन का निर्माण वहाँ पे हुआ, उस तरह से मीरा भयंदर में भी होना चाहिए। मगर बारी बारी से क्यों हो रहा है? इलेक्शन आता है तो कभी उत्तर भारतीयों को कहा जाता है कि उत्तर भारतीय भवन को हम जगह देंगे, कभी कहा जाता है बिहार भवन को देंगे, अब अग्रि भवन की बात आई है, अच्छी बात है, मैं इसका भी स्वागत करता हूं। मगर महानगर पालिका का एक नियम, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट का एक नियम है कि जिस भी समाज को या कॉर्पोरेशन की या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जो कॉर्पोरेशन के अंडर में, अगर उसे बीओटी पे देना है, पीपीटी पे देना है या किसी समाज को देना है, तो उसके लिए आपको पहला जनरल बॉडी के अंदर उसके टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स करने पड़ते हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको सरकार से उसकी मान्यता प्राप्त करनी है, उसके बाद टेंडर का प्रोसेस होता है और वो जो अटी शर्ती होती है वो अटी शर्ती के तहत वो टेंडर का काम पूरा होता है और फिर जनरल बॉडी में उसको प्रस्ताव को लाया जाता है और जनरल बॉडी का अप्रूवल लिया जाता है। यहाँ पर आपने प्रस्ताव शासन के पास भेजा है, सरकार आपकी है, बीजेपी सेना की, वो यकीनन अग्रि समाज के लिए जगह देगी, मगर मैं ये अग्रि समाज से भी विनती करूंगा कि कल ऐसा ना हो कि कोई उठकर के कोर्ट में जाए और ये अटी शर्ती, ये टर्म्स कंडीशन, ये जो प्रोसीजर है ये पूरा नहीं हुआ, इसके लिए आपके ऊपर स्टे लाया जाए और आपका काम रुक जाए, ये ना हो, इसके लिए उस समाज ने जो भी इसका टेंडर भरेगा, जिसको भी टेंडर मिलेगा, उसने इस प्रक्रिया को पूरा करा के लेना चाहिए, ऐसा ये हमारी भूमिका है। आपने जो भी मुद्दे उठाए उन मुद्दों पे सत्ताधारी अगर विचार नहीं करती तो आगे की भूमिका क्या होगी? नहीं, हमने तो स्वागत किया है कि उन्होंने जो भी भूमिका ली है, जो भी अनाउंसमेंट किया है, वो उसे टाउन बाउंड पूरा करे। हम तो जनता है, विरोधी पक्ष में है, जब वो पूरा नहीं करेंगे तो हम उस पर यकीनन सवाल उठाएंगे। हम लोगों के बीच में है और लोगों के बीच में इस बात को रखेंगे कि भाई हर वक्त जब इलेक्शन आता है तब ये इस तरह से लोगों की दिशा भूल करने का काम किया जाता है। जब भी मीडिया इस शहर की समस्याओं को उजागर करती है
तब दौड़ करके कोई लेटर लाया जाता है, दौड़ करके कोई एक मीटिंग ले ली जाती है और उसकी पब्लिसिटी करके लोगों की दिशा भूल की जाती है। इसलिए लोगों की बीच में हम इस बात को लेके जाएंगे, क्योंकि अभी विधानसभा का माहौल है, चुनाव का माहौल है, अगले 2-3 महीनों में ही विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और मैं कांग्रेस की तरफ से 145 विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला हूँ, तो हम तो बिल्कुल इस बातों को, मुद्दों को उठाएंगे और जनता तक ले जाएंगे। आपने अभी बताए उतने मुद्दे पे उन्होंने जो भी बातें कही उसमें से ऐसा लग रहा है कि वो 1-1.5 महीने में वो सारी चीज पूरे हो जाएगी। हम स्वागत करते हैं। लेकिन आपकी जब मैं पूरी बात सुनता हूँ, आप भी तथ्य के साथ कह रहे हो, तो आपकी बात जब सुनता हूँ तो उसमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक छलावा या कुछ ऐसा, आप मतलब एक एक फेक प्रॉमिस जैसी बात है। अगर अगर वो इतने दिन में पूरा नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे? हमने तो पहले कह दिया है कि ये तो स्टंटबाजी है, इलेक्शन का माहौल बना है। जैसा है, आपने हीरानंदानी की पानी की न्यूज़ आप लोगों ने चलाई तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए 35 MLD का मुद्दा आप लोगों के सामने ले आया गया, लेकिन वो 40 MLD का पानी में से हीरानंदानी को कनेक्शन दिया या नहीं दिया, मीडिया ने और थाने महापालिका में स्पष्ट रूप से ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आमदार नरेंद्र मेहता ने हीरानंदानी को पानी देने के संदर्भ में पत्र दिया है, इस तरह की चर्चा थाने महापालिका की जनरल बॉडी में की गई, उसके ऊपर तो कोई खुलासा अंदाज आपने नहीं दिया। वो तो थाने ना महानगर पालिका में हुआ, आपकी जो न्यूज चली है वो थाने महापालिका से चली है, उसका खुलासा वो देंगे ना। आपका आपका वो कांग्रेस कॉर्पोरेटर ने उठाया था मामला, उसका खुलासा जिस पे आरोप लगा है वो देंगे। आपने अभी बीजेपी आमदार के ऊपर आरोप लगाया है कि वो सत्ता का दुरुपयोग किया है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? आप स्पेसिफिक बोले, मैंने ऐसा नहीं, मेरे जो मुद्दे हैं मैंने कहा छुपा हुआ एजेंडा, नहीं मैंने छुपा हुआ एजेंडा, इलेक्ट्रिक के खंबे हमें समझ सकते हैं, होर्डिंग सब छुपा हुआ एजेंडा। आपके ऊपर भी आरोप है कि आपने भी अपने कार्यकाल में सत्ता का दुरुपयोग किया, तो उस टाइम आपने सवाल पूछना चाहिए था, उस टाइम मुझे सवाल पूछना चाहिए था। 2009 में जब ये मच्छी मार्केट का वो भी ST/ST को करे रिजर्वेशन है, आपने इलीगल इमारत बनाया मच्छी मार्केट, 2015 में आपके जो चढ़ाव था उसको राज्य सरकार ने नामंजूर कर दिया, तो क्या ये लोगों के समस्या नहीं है, ये यातायात की समस्या उत्पन्न हो रही है? और नरेंद्र मेहता भी जहाँ जरूरत है वहाँ के लिए विषय उठा नहीं रहे, वो उठा रहे भयंकर वेस्ट के लिए जहाँ जरूरत ही नहीं है अभी। तो आप लोगों का जो याराना है वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आपके खिलाफ वोट क्यों नहीं जा रहा। कई बार मैंने भी पर्सनली हो गया आपका जी, आप कितने साल से मीरा भयंदर पे रहते हैं? मैं कितने साल से आपके सवाल का जवाब, आपके सवाल का जवाब जो है उसमें छुपा जी, इसके लिए 20 साल हो गया। हाँ 20 साल। तो आप मुझे बताइए ये मच्छी मार्केट कौन से साल में लगा? 2009 में आपका तोड़ने का ऑर्डर? नहीं नहीं, वो छोड़ दीजिए मच्छी मार्केट, अरे ऐसे कैसे मेयर थे आप, बात सुनिए, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, मैं लेके नहीं आ पाया, लेकिन आपने मुद्दा उठाया एसटी बस, आपके पास अगर डॉक्यूमेंट है ना तो आप जरा देखिए ये मच्छी मार्केट। सुनिए एक मिनट, अभी आपने बोल दिया ना, मेरा जवाब सुनिए जी, मच्छी मार्केट कौन से साल में बना ये पहले आप मालूम कीजिए, पीपी प्लान कौन से साल में बना ये पहले मालूम कीजिए, वो तो सबको, लैंड यूज सर्वे कब हुआ ये मालूम कीजिए, रिजर्वेशन आप ही बता दो ना सर। तो ये उससे पीपी प्लान बनने के पहले 1989 में मच्छी मार्केट बना है, कॉर्पोरेशन के ऊपर आपने, और पीपी प्लान 97 में ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान हुआ है, ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान 97 में हुआ है और 2002 के बाद में 2007 में जाके डीपी प्लान फाइनल हुआ। जब आपने ठहराव पास करके राज्य सरकार को भेजा, राज्य सरकार ने नामंजूर की करके 2015 में। देखिए ऐसा है, आपने मुझसे क्या पूछा, क्या पूछा आपने मुझसे? एसटी बस मैंने आपसे क्या कहा कि ये मच्छी मार्केट कब बना, ये मच्छी मार्केट कब बना ये आपको मैंने बता दिया, और उसके बाद में अगर इलीगल है तो जो सत्ता में है, जो सत्ता में है अगर इलीगल है तो जो सत्ता में है तो क्यों नहीं तोड़ते? यही तो सवाल उठता है कि क्यों नहीं तोड़ता भाईंदर वेस्ट का जाके वो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, किसी का कोई सवाल अभी सवाल है सर, इसलिए सवाल है आप तो पीछे रोकाट में बार-बार आमदार सुरेंद्र मेहता या बीजेपी सवाल उठा दिए, मैं उसका जवाब दे दे, नहीं 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 मैंने जवाब दे दिया सर, सर क्यों होता है सर, आप बोलते हैं सही हूं तो फिर गलत है सर, आप ही गलत, मैंने आपको जवाब दे दिया और तुम्हारी बार-बार सवाल उठा रहे हो, आप एमएलसी रह चुके हैं, आप एमएलसी रह चुके हैं और एमएलसी या एमएलए अपना जो फंड रहते हैं उनका जो निधि का जो मिलता है उसकी प्रक्रिया क्या होती है, वो कहां-कहां पर वो कैसे दिया जा सकता है,
उन फंड के लिए क्या कलेक्टर की मंजूरी जरूरी होती है, प्रशासन की मंजूरी जरूरी होती है, वो ऐसे ही ऐलान कर देते तो हो जाता है? नहीं, उसका एक प्रोसीजर है कि एमएलए एमपी फंड जो होता है, एमएलसी फंड होता है या राज्यसभा के मेंबर का होता है, एक तो एमएलए है तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं कर सकती, एमएलसी है तो किस कॉन्स्टिट्यूंसी को बिलोंग करते हैं अकॉर्डिंगली वो कर सकते हैं, अगर वो लोकल स्थानिक स्वराज्य संस्था से है तो वो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कर सकते हैं। जैसा मैं एमएलसी था तो एमएलए से चुना हुआ था तो पूरी महाराष्ट्र मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, तो उसकी गवर्नमेंट की सेट प्रोसीजर है कि वहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में एक बाकायदा डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आपको प्रस्ताव भेजना पड़ता है, कलेक्टर उस प्रस्ताव को सारे लीगैलिटीज उसकी चेक करते हैं और उसके बाद में वो जो ज़मीन होती है, क्योंकि कोई भी वास्तु खड़ी करनी है तो उसके लिए ज़मीन लगती है, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होना चाहिए, कोई भी लैंड है या कोई बिल्डिंग है या कोई प्रशासकीय बिल्डिंग है तो वो गवर्नमेंट लैंड होना चाहिए। कंप्यूटर स्कूल को देते हैं तो ग्रांट इन एड की स्कूल्स होनी चाहिए या जिला परिषद की होना चाहिए या कॉर्पोरेशन, ऐसे उसके सेट नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स के तहत उसकी मंजूरी। अभी हाल ही में जो 20 लाख रुपए का अनाउंसमेंट किया गया है यहाँ पर शांति पार्क गार्डन के बाद में, यहाँ के जो विधायक है भाजपा के, उन्होंने क्या वो सही है या फिर एक आश्वासन होगी? अभी उन्होंने किया है, आमदार है, अभी पिछले 5 साल से आमदार है, उनको तो नियमों का मालूम ज्यादा होगी। उस दिन जो है विधायक नरेंद्र मेहता मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और इन नारों के पीछे स्थानीय नगर सेवक अपना स्थानीय कांग्रेस का हाथ है ऐसा कहा गया था, क्या कहेंगे आप? ये जो बखेड़ा हुआ है वो कांग्रेस ने मुझे पुरुषों ने खड़ा किया है। जो वीडियो मैंने आप लोगों के विविध चैनल्स पे देखा उसमें कोई भी कांग्रेस का वर्कर पदाधिकारी नगर सेवक नहीं था, वो वहाँ के स्थानीय लोग थे जो हार्ड कोर बीजेपी के सपोर्टर्स रह चुके हैं, मगर उस गार्डन के चलते हुए उनका आपस में बीजेपी के साथ आमदार के साथ मतभेद हो गया। सर हाल ही में आपका नाम विधानसभा चुनाव के लिए आप उम्मीदवार हो, आप पे दबाव बनाने की कोशिश करने के लिए नरेंद्र मेहता जी आपके ऊपर आरोप करने जा रहे हैं? जो तो राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप तो इलेक्शन के दौरान चलेगा ही। अच्छा, तो ये डर है कि ये आपको कमजोर करने की कोशिश है? मतलब इसका मतलब मैं मजबूत हूँ, कमजोर करना है इसका मतलब मैं मजबूत हूँ। किसी के नाम खराब करने से किसी का नाम खराब होता नहीं। हमारा परिवार फिलान्थ्रोपिक काम आज से नहीं करता है, नरेंद्र मेहता इस शहर में नगर सेवक बनने से पहले से करता है, चाहे स्कूल की फीस हो, कॉलेज की फीस हो, शादी का हो, लोगों का अनाज का दान करने का हो, कि अस्पताल का हो, कि इलाज का हो। उमराव हॉस्पिटल बनने से पहले ये संस्था जब से बनी है 1985 या 1989 से, तब से ये संस्था लोगों को मदद करते आई है। ये शहर के अंदर 10 साल तक फ्री एम्बुलेंस सर्विस हमने चलाई है, और चंद्रकांत मैती जो महापौर आज बीजेपी में, उनको जाके पूछ लीजिए मुजफ्फर हुसैन की संस्था ये फ्री एम्बुलेंस सर्विस चलाती थी कि नहीं चलाती थी, कितने साल से चलाती थी। तो हम जो फिलान्थ्रोपिक काम हमारी संस्था करती है, हमको किसी के हमारी तारीफ करने की हमको जरूरत नहीं है, हम किसी के आक्षेप से या आरोप से डरते नहीं हैं, क्योंकि हमारा काम सही है, ट्रांसपेरेंट है और लोग और गरीब जनता के हित में है। सवाल ये है सर कि वो इल्जाम लगाते हैं और सफाई दे देते हैं, तो इसमें जनता क्यों पिसती है सर? उमराव के ऊपर हमेशा वो सवाल उठाते हैं। और आपने सुना नहीं मैंने पहले क्या कहा, मैंने कहा कि आमदार होने की, अगर वो आमदार है तो उनको कायदे का ज्ञान होना चाहिए, तो क्या बोल रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने कायदे का अध्ययन करना चाहिए। हाईकोर्ट के जो डायरेक्टिव है, चैरिटी कमिश्नर के जो डायरेक्टिव है, गवर्नमेंट की जो डायरेक्टिव्स हैं, उसे उनको समझना चाहिए और उसके बाद में दिन बढ़ाए के आरोप लगाना चाहिए। सुबह शाम की प्रेस सवाल है, सुबह शाम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, क्रिया प्रतिक्रिया का दौर चल रहा है, सवाल नहीं करूंगा आपसे, सवाल हम सब समझ रहे हैं, लेकिन आपकी ओर से एक्स्ट्रा क्या रहेगा? ये जो चल रहा है वो सब समझ सकते हैं, सवाल पूछने का भी जरूरत नहीं है, जवाब हमें मालूम है, आपकी ओर से।